सभी को राधे राधे। मैं हूँ मेघा जया श्रीवास्तव और मैं डेली ब्लॉग्स अपने फैमिली का और अपना शेयर करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे पहले के ब्लॉग्स में मैंने बताया कि हम लोग हॉलीडे मनाने कैसे सिक्किम पहुँचे हैं। ट्रेन से हम लोगों ने जर्नी की और फिर हम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी लेके गंगटॉक में स्टे किया। गंगटॉक में स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock में उठ के हम लोग यमथाम वैली और लाचुंग से फिर जो है 0 point तक पहुँचे हैं। रास्ते में इतनी ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलती हैं कि फिर कुछ रास्ते की दूरी पता ही नहीं चलती है। सिक्किम में ना समर सीज़न में पर्पल फ्लावर पूरे स्ट्रीट में लेफ्ट राइट चारों तरफ जितने भी माउंटेन्स हैं ना सब में पर्पल फ्लावर ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। ये सब देखते हुए हम लोग पहुँचे 0.0 point पहुँच के बच्चे काफ़ी खुश हुए, हम लोग भी काफ़ी खुश हुए क्योंकि घर से हम लोगों ने सोचा था कि पता नहीं आइस मिलेगा भी कि नहीं क्योंकि मेगा 20 मे हो गए हैं, पता नहीं आइस रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो काफ़ी स्नो हुआ था 1 night पहले, यहाँ पे स्नोफॉल्स होने के वजह से काफ़ी कोल्ड हो गया था। इस 0 point की हाइट 16,000 feet होने के वजह से यहाँ पे काफ़ी कोल्ड हो चुका था और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे 2 point होने की वजह से सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी सबको। लेकिन क्या कहा जाए, पहुँचे हैं घूमने तो फिर घूमना ही है। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे घूमने टहलने के बाद फिर हम लोग निकल गए क्योंकि थोड़े देर बाद मुझे भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी और मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई, मुझे वॉमिटिंग हेड पेन वगैरह स्टार्ट हो गया। थोड़े देर बाद हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोगों ने अपने कॉटेज लिया। कॉटेज में जब हम लोग पहुँचे ना तो यहाँ का बगल में स्नो मतलब फॉल्स और फायर और पहाड़ी शॉन वगैरह चल रहे थे जहाँ पे सारी फैमिलियाँ जिन लोगों ने अपने कॉटेज बुक किए थे ना वो सब लोग अपना के डांस वगैरह कर रहे थे। थोड़े देर बाद हम लोग भी निकले, थोड़ा सा डांस वगैरह किए। डांस करने के बाद थोड़ा सा मेरी तबीयत हल्की भी हो गई क्योंकि मुझे बहुत तेज़ हेड पेन हो रहा था और मेरी वॉमिटिंग करने की वजह से मूड काफ़ी ख़राब हो गया था। बहुत देर तक यहाँ पे हम लोगों ने डांस वगैरह किया, कोल्ड हॉट कॉफी पिया और फिर जब शरीर फायर के पास रहने की वजह से शरीर जब हॉट हो गया तो अपने आप तबीयत भी सही हो गई और हेड पेन भी ख़त्म हो गया। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और रास्ते में जब निकले तो इतनी ट्रैफिक जाम थी, 2-3 घंटे तो लगभग लग गए ट्रैफिक से निकलते हुए। लगता है ना कि जहाँ भी घूमने जाओ तो फिर सभी लोग वहीं पे घूमने आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग रात में 12 बजे तक हम लोग होटल रूम्स में पहुंच गए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग 8-9 o'clock पे उठे और फिर लोकल सारे मार्केट और जितने भी पॉइंट्स हम लोगों के थे वगैरह हम लोगों ने घूमे क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock पे मेरी हम लोगों की ट्रेन थी। तो यहाँ पे साइट सीन जितने भी थी, बच्चों ने पंजी जंपिंग माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह किया, जिसको जो भी इंटरेस्ट था वो भी वो एक्टिविटीज़ सब लोगों ने की। मुझे तो डर लगता है तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो मैं खड़ी होकर देख रही थी सबको कि सब लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रहा, फिर हम लोगों ने मोनेस्ट्री गए। मोनेस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और आज बुद्ध पूर्णिमा भी थी तो काफ़ी बुद्ध भगवान के बर्थडे के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा था। मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी पहले क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मोनेस्ट्री में आई हूँ और बुद्ध पूर्णिमा में भगवान बुद्ध के बर्थडे में भी एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ होता है लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब देखा। मोनेस्ट्री काफ़ी खूबसूरत होती है और यहाँ का वेदर ना एकदम यहाँ का माहौल एकदम शांत रहता है, एकदम साइलेंट
मोनेस्ट्री से निकल के फिर हम लोग गणेश टॉक, हनुमान टॉक और फिर लोकल मार्केट वगैरह घूमे और फिर माउंटेन्स में खड़े होके ना फिर जितने भी चीज़ें दिख रही थी इतनी अच्छी लग रही थी कि क्या ही बताया जाए। लोकल सारी चीज़ें घूमने के बाद यहाँ पे हम लोगों की गंगटोक सिक्किम की जर्नी ख़त्म हुई और फिर हम लोग 26 मई मई को अपने घर वापस आ गए। सभी को राधे राधे, हैप्पी जर्नी, सबका हॉलीडे अच्छा हो।